नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। दोस्तों, अमेरिका के F-35 लाइटनिंग 2 की तुलना में राफेल फाइटर जेट विमानों को क्या फायदे हैं, एक बड़ा सवाल। कहां एक तरफ F-35 जैसा पांचवी पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट और कहां 4.5 जनरेशन वाला राफेल लड़ाकू विमान। यहां पर राफेल विमान का कंपैरिजन करना भी एक बड़ी बात है F-35 लाइटनिंग 2 से, लेकिन राफेल ने किया ही कुछ ऐसा काम है जिसकी वजह से इसे F-35 लाइटनिंग 2 से कंपैरिजन यानी कि तुलना करनी पड़ गई। राफेल फाइटर जेट जो कि ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे डसॉल्ट एविएशन बनाती है, इसे एयर सिक्योरिटी इंट्रोडिक्शन, एरियल रिकनेंस, ग्राउंड सपोर्ट, इनडेप्थ स्ट्राइक, एंटी शिप स्ट्राइक और न्यूक्लियर डिटरेंस मिशन के लिए डिजाइन किया गया और ये फ्रेंच एयरफोर्स और नेवी के साथ 2004 और 2006 से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा इसे फ्रांस ने इजिप्ट, कतर, इंडिया और ग्रीस को भी एक्सपोर्ट किया है। वही हम आते हैं अब F-35 लाइटनिंग 2 फाइटर जेट पर, जो कि एक अमेरिकी सिंगल इंजन स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है जिसे लॉकहीड मार्टिन के द्वारा एयर सिक्योरिटी और स्ट्राइक मिशन के इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया। ये इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और खुफिया निगरानी और टोही मिशन भी कर सकता है और ये एक जॉइंट स्ट्राइक फाइटर प्रोग्राम के तहत है जिसमें कि खुद अमेरिका और 8 अन्य देश हैं, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, नॉर्वे, डेनमार्क, नीदरलैंड और जापान। और ये फाइटर जेट भी यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स, नेवी और मरीन कॉर्प्स के पास मौजूद है। इसके अलावा इनका एक्सपोर्ट इसराइल, साउथ कोरिया, बेल्जियम, पोलैंड, सिंगापुर और अन्य देशों को भी किया गया है। दोस्तों, अब इन विशेषताओं के आधार पर ये कहा जा सकता है कि राफेल फाइटर जेट को कुछ क्षेत्रों में F-35 लाइटनिंग 2 फाइटर जेट की तुलना में कुछ फायदे हैं। इनमें से कुछ फायदे ये हैं कि राफेल, जिसकी पेलोड क्षमता F-35 की तुलना में कई ज़्यादा है और ये उससे ज़्यादा मात्रा में ईंधन ले जा सकता है, यानी कि फ्यूल कैपेसिटी भी राफेल फाइटर जेट की ज़्यादा है F-35 की तुलना में। राफेल का अधिकतम टेक ऑफ वजन 24.5 टन का है और ये 9.5 टन तक का भारी भार ले जा सकता है। वहीं F-35 का अधिकतम टेक ऑफ वजन 31.8 टन है और ये 8.1 टन तक बाहरी भार को ले जा सकता है। और राफेल फाइटर जेट में F-35 से ज़्यादा हार्ड पॉइंट्स हैं, यानी कि 14-10 आप कह सकते हैं। और इस तरीके से राफेल फाइटर जेट अलग अलग मिशन में अपनी बहुमुखी प्रतिभा और लचीलापन को प्रदर्शित कर सकता है। अब बात करते हैं लॉन्ग रेंज और इंड्यूरेंस की। दरअसल राफेल F-35 फाइटर जेट की तुलना में अधिक दूर तक और लंबी उड़ान भर सकता है। राफेल फाइटर जेट का जो कॉम्पैक्ट रेडियस है वो 1850 किलोमीटर है और फेरी रेंज है 3700 किलोमीटर की। वहीं F-35 का जो कॉम्पैक्ट रेडियस है वो 1200 किलोमीटर है और इसकी फेरी रेंज है 2200 किलोमीटर। वहीं राफेल फाइटर जेट की जो सर्विस सीलिंग है वो F-35 से अधिक है, यानी कि 18 किलोमीटर वर्सेस 15 किलोमीटर। और ये राफेल फाइटर जेट को लंबी दूरी के ऑपरेशन या फिर तैनाती के लिए अधिक उपयुक्त बनाता है। अब बात करते हैं बेहतर युद्ध अभ्यास यानी कि मैनेबिलिटी की। राफेल फाइटर जेट F-35 की तुलना में बेहतर युद्ध अभ्यास कर सकता है। राफेल का थ्रस्ट टू वेट रेशियो F-35 1.13 वर्सेस 1.07 से अधिक है और राफेल में F-35 की तुलना में कम विंग लोडिंग है, यानी कि 326 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर वर्सेस 428 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। राफेल में एक कैनार्ड डेल्टा विंग डिज़ाइन है और एक फ्लाई बाय वायर सिस्टम भी है जो कि इसकी एजाइलिटी यानी कि चपलता और स्थिरता को बढ़ाता है। राफेल हाई एंगल ऑफ अटैक मैनूवर्स, कोबरा मैनूवर्स और सुपर क्रूज जैसे युद्ध अभ्यास कर सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर राफेल फाइटर जेट F-35 की तुलना में यानी कि F-35 लाइटनिंग 2 की तुलना में कई मामलों में आगे है। इसके अलावा दोस्तों, राफेल फाइटर जेट में लगी MBDA की मिट्टी और मिसाइल इस फाइटर जेट को बहुत ज़्यादा घातक बना देती है, क्योंकि F-35 में वर्तमान में इतनी सक्षम मिसाइलें नहीं हैं, लेकिन मिट्टी और मिसाइल का एकीकरण भी F-35 में किया जा रहा है। दोस्तों, ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई वो हैं हेड टू हेड यानी कि आमने सामने पर है और ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि F-35 लाइटनिंग 2 के आसपास होने का पता चलते ही हो सकता है कि राफेल फाइटर जेट को मार गिरा दिया जाए। F-35 की जो एडवांटेजेस है यानी कि लाभ है वो इसकी चपलता, स्पीड और रेंज नहीं है बल्कि इसका एवियोनिक्स है, जो कि अपने समूह के अन्य विमानों के साथ कम्युनिकेट करने की क्षमता रखता है और सैटेलाइट अपलिंक से डायरेक्ट और रियल टाइम डेटा प्राप्त करने की इसमें क्षमता है। इसके अलावा F-35 की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये अपने ग्रुप में मौजूद अन्य फाइटर जेट के माध्यम से भी हथियारों को फायर कर सकता है। और F-35 की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है इसकी बियॉन्ड विजुअल रेंज कमांड। तो ऐसे में दोस्तों, अमेरिका ने सोच समझ के ही F-35 को तैयार कर रखा है। कुछ चीज़ों में राफेल आगे ज़रूर हो सकता है लेकिन F-35 का भी कोई स्थान ही नहीं है।
चीज़ें बहुत कुछ है, अगर बात सही से की जाए तो बात बहुत आगे तक पहुंचेगी। लेकिन फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।